वर्तमान लोकसभा चुनाव में आज हिसार से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे भव्य बिश्नोई ने आज हिसार लोकसभा क्षेत्र के लिए संकल्प पत्र जारी किया। शायद भारतीय चुनाव के इतिहास में पहली बार किसी प्रत्याशी ने अपना व्यक्तिगत घोषणा पत्र जारी किया है। संकल्प से समृद्धि नामक इस संकल्प पत्र में भव्य ने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, कृषि, उद्योग, आधारभूत संरचना, लैंगिक समानता, पर्यावरण, कानून व्यवस्था और खेल के मुद्दे उठाए। इन क्षेत्रों के समस्याओं को उन्होंने दूर करने तथा हिसार के संपूर्ण विकास योजना और उसे लागू करने की परिकल्पना को भव्य ने इस संकल्प पत्र में शामिल किया। सेक्टर 15 स्थित अपने निवास पर भव्य ने राज्यसभा सांसद व कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र बनाने वाली समिति के संयोजक MV राजीव गोड़ा, विधायक कुलदीप बिश्नोई व उनकी पत्नी रेणुका बिश्नोई की मौजूदगी में ये संकल्प पत्र जारी किया। इस मौके पर भव्य को राजनीति का सचिन तेंदुलकर बताते हुए राजीव गोड़ा ने कहा कि ये पहली बार है जब किसी ने व्यक्तिगत घोषणा पत्र जारी किया है। भव्य विदेश में पढ़ा हुआ है और उच्च शिक्षा से देश की समस्याओं को समझकर उसे दूर करने का प्रयास करेगा। भव्य का ये संकल्प पत्र हिसार के लिए मील का पत्थर साबित होगा। कुलदीप ने इस मौके पर कहा कि भजनलाल परिवार ने जो कहा है उसे हमेशा पूरा किया है। भव्य बिश्नोई के इस संकल्प पत्र में शामिल घोषणाओं को हर हाल में पूरा किया जाएगा। ये मैनिफेस्टो और ये डॉक्यूमेंट जो है, ये मेरे हिसार लोकसभा क्षेत्र के प्रति मेरा संकल्प है। वैसे तो बचपन से हिसार आते रहा हूँ, लेकिन विशेष रूप से पिछले 1.5-2 सालों से मैंने हिसार लोकसभा क्षेत्र के कई गांवों और कस्बों के दौरे निकाले। हमारे बड़े बुजुर्गों से, किसानों से, महिलाओं से, युवाओं से, दुकानदारों से, लॉयर्स, समाज के सभी वर्गों से मैंने बातचीत की। हमारे इलाके की मुख्य तौर पर क्या क्या समस्याएं हैं, क्या लोगों को दुख तकलीफें हैं, क्या मुद्दे हैं, उनको मैंने गहराई से समझने का प्रयास किया, उन पर मंथन किया, सब्जेक्ट मैटर से मैंने वाद विवाद किया और इन डेप्थ रिसर्च करने के बाद मैंने संकल्प पत्र निकाला है। इसका शीर्षक है संकल्प से समृद्धि या को-क्रिएटिंग प्रॉस्पेरिटी। मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र में विजन मेरा या आपका किसी एक इंसान का नहीं होता, विजन जनता का होता है। तो इस संकल्प पत्र में भी आपको लोगों की आवाज़ सुनाई देगी, जो लोगों की अपेक्षाएं और उम्मीदें हैं एक लोकसभा प्रत्याशी से, उनकी झलक आपको इनमें देखने को मिलेगी। मैंने सिर्फ इसको सिंथेसाइज करने का काम किया है और लोगों के आशीर्वाद मिलने के बाद ये मेरे लिए ब्लूप्रिंट हो स्थायी समाधानों के लिए या सस्टेनेबल चेंज के लिए। सिर्फ एक इंसान की कोशिशें काफ़ी नहीं है, सबको एकजुट होकर संगठित रूप से काम करना ज़रूरी है। उदाहरण के तौर पर यदि हम, जैसे हमारे हांसी में कचरे की बहुत बड़ी समस्या है, तो यदि हम कचरे का समाधान चाहते हैं तो सबसे पहले आम नागरिकों को जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी, वेस्ट सेग्रीगेशन, रिसाइकिलिंग, रीयूज, रिडक्शन की आदत बनानी पड़ेगी। उसके लिए आपको NGO सेक्टर को एक्टिवेट करना पड़ेगा कि एक संस्था आए, लोगों को बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन आंदोलन के माध्यम से लोगों को जागरूक करे। उसके साथ साथ स्थानीय प्रशासन को भी वेस्ट सेग्रीगेटेड डस्टबिन और ट्रक लोगों को वितरित करने पड़ेंगे। जो हमारे सफाई कर्मचारी है उनकी मांगों को पूरा करना पड़ेगा। उसके साथ साथ सरकार को भी कुछ ऐसी नीतियाँ बनानी पड़ेंगी जो एनवायरमेंटली फ्रेंडली है। प्राइवेट सेक्टर इसलिए अंदर यहाँ पर योगदान कर सकता है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट अगर लगाया जाए तो उससे आर्थिक उत्पादन भी हो सकता है, तो पूरा 360 डिग्री सोल्यूशन मिल जाता है। तो अगर आप सस्टेनेबल चेंज चाहते हैं तो सभी स्टेक होल्डर्स को एकजुट होकर किसी समाधान के लिए काम करना होगा। इसमें 10 विकास के क्षेत्रों की बात मैंने लिखी है, शिक्षा, कृषि, रोजगार, उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना पर्यावरण, लॉ एंड ऑर्डर, खेल और दो और रह गए, 10 विकास के क्षेत्रों की बात मैंने इसमें रखी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे हिसार के लोगों को इसमें अपनी आवाज़ सुनाई देने को मिलेगी और उम्मीद करता हूँ कि आशीर्वाद के साथ मैं इसको पूरा करने का पूरा प्रयास करूँगा।